आज होली है, रंग और प्रेम का त्योहार। आज सारे सजन अपनी सजनी के संग, किरण गजनी के संग और नगाड़े ढोल के संग, सिंघम काजोल के संग होली खेलने में मगन रहते हैं। सिंघम से याद आया, अरे वो सिंघम है ना, पिछले साल मैंने नीले रंग की बाल्टी लेके उसके ऊपर पानी फेंका था, ना तो रंग गया ना कान में से पानी, अभी तक निकालता रहता है। पानी नहीं निकल रहा है मेरा, साल में पानी फंस गया है। हीरो तो हीरो, यहाँ तक के विलन वो गब्बर सिंह हमेशा पूछता रहता है, कब है होली, कब कब। अरे गब्बर सिंह, इतने घर लूटता है, इतनी तिजोरियां लूटता है, पैसा लूटते वक्त एक आधा कैलेंडर भी लूट ले, उसमें तुझे सब पता चल जाएगा कि होली कब है, रक्षाबंधन कब है, तीज कब है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बहन जी जैसी हीरोइन को बुलाऊं, गाने में बुलाऊंगा। बोलो। मैं आ गई। पता है होली खेलने आ गई। अच्छा, अब जल्दी से होली खेलो क्योंकि मुझे डाक खाने जाना है। क्यों, आज नाश्ता नहीं किया क्या जो डाक खाने जाना है? डाक खाने में मेरी नौकरी लग गई है, 8 रुपए माहवार तनख्वाह और 12 रुपए दिवाली बोनस, इमरती का डब्बा भी देंगे। हाँ, ये क्या हुआ, छींक आ रही है क्या? नहीं नहीं, ये तो खुशी से मेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम मिला है। क्या महत्वपूर्ण काम है? पोस्ट कार्ड पे टिकटें चिपकाने का। अच्छा, हाँ चिपक गई। हाँ एक और सुनो। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण क्या है? अरे कितना महत्वपूर्ण काम है, डाक खाने में गोंद खाने का काम तुम्हारे प्रियतम का ही तो है। सर, हाँ अब तो हमारे ब्याह के लिए हमारे पिताजी मान जाएंगे। बिल्कुल। बन की चिड़िया बन के बन बन दो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, ये कैंसिल करवाने कौन आ गया? अरे भाई, नए जमाने की होली के बारे में तो हर कोई छापता है, इस बार मैं पुराने जमाने की होली के बारे में लिख कर दुनिया हिला दूंगा। भाई साहब। हाँ। ये पुराना जमाना किस तरह पड़ता है? आपको हर्ष होगा ये जानकर कि आप सही जगह पहुंच गए। पुराने जमाने में आपका स्वागत। हाँ, यही पुराना जमाना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपकी तारीफ। मैं वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकार शिरोमणि, भारत भूषण, पत्रकार भूषण। एक मिनट भाई साहब, बाकी के लोग कहाँ हैं? नहीं, ये सारी तो मेरी पदवियाँ हैं। नाम है पत्रकार पोपटलाल। ये आपकी पदवी लग रही है। ये नाम आप पर बहुत जचता है। थैंक यू पोपटलाल, क्योंकि जितने आप स्मार्ट हैं, ऋतिक रोशन तो सूट भी नहीं करेगा। यहाँ कैसे आए भाई? ब्लैक एंड व्हाइट ईरा की होली के बारे में कुछ जानकारी लेने आया हूँ। वैसे असल बात यह है कि होली के बहाने अपनी शादी के लिए आपके जमाने की किसी लड़की की तलाश में हूँ। लड़की तो हाँ। मुझसे वादा किया, मॉडर्न आदमी देखा नहीं कि डन। नहीं नहीं प्रियतम। हाँ। मैं तो अपनी छोटे बहन की बात कर रहे हूँ। वैसे उम्र क्या है उसकी? स्वीट 16। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, आपकी उम्र क्या है? स्वीट 42। 42 भी स्वीट होता है? हाँ, मुझे शुगर है ना। लड़का अमीर है। हाँ? डायबिटीज अमीर लोगों की बीमारी।
अरे भाई, आप लोगों के चक्कर में मेन बात तो भूल ही गया। क्या भाई, अपने जमाने की होली के बारे में कुछ बताओ वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। भाई, आप लोगों के जमाने में किस तरह के गाने होते हैं? हमारे जमाने का तो एक ही पेटेंट गाना एंथम है। माँ बन की चिड़िया बन के बन बन डोलो रे डोलो रे। भाई पंछी कहीं से नहीं लग रहे हो, गाने में ऊंट डालो ऊंट। क्या बोरिंग गाना है भाई, गाने तो हमारे जमाने में होते हैं, क्या तड़कते फड़कते गाने होते हैं। पता है तुम्हारे जमाने में कैसे गाने होते हैं? एक गाना है इतना सुपर फास्ट, अरे आरा रा ना कम का 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 आरा रा ना कम का 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 ना कम का। पता ही नहीं लगता कि नाक पे मुक्का मारना है या मुक्का पे नाक। एक और गीत है, उसका भी तो सुनाओ जो कल रात को मुझे सुना रही थी। अरे हाँ, इनका चीका। वो तो नए और पुराने जमाने दोनों का मिलन है। हाँ तो ऐसा कुछ करो भाई, ऐसा गाना जिसमें नया जमाना पुराना जमाना दोनों से मिल जाए। ठीक है सुना। ये गीत तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, जमाने आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो यहाँ रहेंगे हमेशा वो हैं होली के रंग। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की कहाँ जिससे आप लोग मुझे मिलवाने वाले थे? वो लड़की तो अपने ससुराल है। क्लैप। मतलब आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ, मजाक तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी हम करवा के ही रहेंगे। वो कहते हैं ना कि जो इन्होंने कह दिया वो ये करते हैं, और जो ये नहीं करते वो मैं इनसे करवा के रहती हूँ। हमें छतरी से मत मारना, हमने तुम्हारे साथ मजाक किया।